हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट स्मूदी। जो स्मूदी है मैंने स्ट्रॉबेरीज के साथ बनाई है, ये बहुत डिलिशियस तो है ही, साथ में बहुत हेल्दी भी है। तो अगर आप कुछ मीठा क्रेव कर रहे हैं और आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। आज मैंने यूज किया है 2200 का ऑर्गेनिक हनी। ये हनी प्योर है, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है। ये हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। ये वाइडली अवेलेबल है पूरी इंडिया में। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब मैं यहाँ लूंगी 2 केले जिसको मैंने चॉप करके फ्रीज कर लिया था, 2 आम इसको भी मैंने चॉप करके फ्रीज किया हुआ है। फिर आप लें 2 से 3 बड़े चम्मच ओट्स, ये हमारे इंस्टेंट ओट्स है। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज लेंगे आप, ये भी फ्रोजन है। फिर लेंगे चिया सीड्स और अलसी जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, और थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट, ये गार्निश के लिए यूज करूंगी मैं, और 2200 का हनी। अब हम सबसे पहले एक मिक्सर जार में डालेंगे बनानास। इसकी जगह आप कोई सा भी और इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं, बट जो केले हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। फिर मैंने डाले हैं मैंगोस। ध्यान रखिए सब फ्रोजन लेंगे आप, तभी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आएगी। फिर आप स्ट्रॉबेरीज लें। आप यहाँ पे ओट्स डालें इसके बाद। ये इंस्टेंट ओट्स है जो बाजार में मिल जाते हैं, इसको मैंने रोस्ट किया हुआ है। 1/2 छोटी चम्मच चिया सीड्स और 1/2 छोटी चम्मच अलसी, इसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई से भी और फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज या रैसबेरीज या और भी जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो, एप्पल। जो ये स्मूदी होती है, इसे थिक बनाने के लिए आपको सारे फ्रूट्स को पहले फ्रीज करना पड़ेगा। जो 2200 का ऑर्गेनिक हनी है, इसमें कोई एडेड कलर नहीं है, एकदम नेचुरल जो येलोइश ऑरेंज कलर होता है हनी का, इसकी स्वीटनेस बहुत अच्छी आती है। आप बिल्कुल ट्राई करें, इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसे आप पहले पीस लें अच्छे से। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। यह आपको लगेगा कि आप एक थोड़ी सी मेल्ट करी हुई आइसक्रीम खा रहे हैं उस फ्लेवर की, पर ये बहुत हेल्दी है आइसक्रीम से। तो आप इसको डाइट में इंक्लूड करें। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस स्मूदी बना सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे ब्रेकफास्ट बना के भी सर्व कर सकते हैं। जो चिया सीड्स हमने डाले हैं, इससे जो है आपका जो पेट है वो भरा रहेगा बहुत टाइम तक, आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए आप चिया सीड्स बिल्कुल स्किप ना करें। इसकी जगह अगर आप चाहें तो सब्जी के बीज भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे टॉप करूंगी स्लाइस करे हुए बनानास के साथ। उसके साथ मैं डालूंगी स्लाइस करी हुई स्ट्रॉबेरीज और थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट। आप चाहें तो कोई सी भी और टॉपिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इन सबको स्किप भी कर सकते हैं। जो ये टॉपिंग्स है, इससे बच्चे तो बहुत अट्रैक्ट होंगे और ये स्मूदी जरूर खाएंगे। आप चाहें तो मेरी दूसरी स्मूदी की रेसिपीज चेकआउट कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर आई बटन है इस पे क्लिक करें और दूसरी स्मूदी की रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। मैंने वेट लॉस की स्मूदी भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ। इसे मैं टॉप करूंगी ऊपर चिया सीड्स के साथ, थोड़े से अलसी। जो अलसी होती है उसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए। आपकी स्मूदी एकदम तैयार है, इसे आप तुरंत ही सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नाम के पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं फिर लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।